व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और हम आपके सामने एक और रिव्यू सीरीज के एपिसोड के साथ हाजिर हुए। आज हम जिस बाइक का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो है होंडा सीजी 125 सेल्फ स्टार्ट स्पेशल एडिशन। हैंडल के राइट हैंड साइड पे आप लोगों को स्टार्ट का बटन मिलेगा जो रेड कलर का है, जिसको आप दबाकर बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक के मीटर में आपको एक्सेलेरोमीटर और स्पीडोमीटर मिलता है और इसके अलावा इंडिकेटर्स के निशान मिलते हैं और न्यूट्रल का यहाँ पे आपको निशान मिलता है। हैंडल के लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों के पास जो लाइट्स के स्विच ऑफ और ऑन का बटन है, इसके अलावा हाई बीम और लो बीम का बटन है, इंडिकेटर्स का बटन है और हॉर्न का बटन है। जो ये आप लोगों के बटन्स दिए गए हैं सारे डेलक्स 125 जो है उसकी कॉपी की गई है और सेम टू सेम वैसे दिए गए हैं। इनके फ्रंट पे होंडा सीजी 125 की रिवायती हेडलाइट है, इसके ऊपर कोई हेड काउल मौजूद नहीं है और हेडलाइट के अंदर आपको एक सादा हेलोजन लैम्प मौजूद है और इसकी वजह से इसके अंदर कोई पार्किंग लाइट्स भी आप लोगों को अवेलेबल नहीं है। बाइक के फ्यूल टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 9.2 लीटर है, जिसमें 2 लीटर जो है वो रिजर्व के लिए रखे गए हैं। बाइक की सीट के अंदर कोई चेंज नहीं है और ये नॉर्मल जो 125 है सेम टू सेम उसके जैसी है। बाइक की रियर लुक के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है और जो रिवायती 125 आता है सेम टू सेम वैसी है। आप लोगों के जो बैक लाइट है, टेल लाइट, उसके अंदर भी एक सिंपल हेलोजन लैम्प मौजूद है। बाइक के अंदर अलॉय रिम मौजूद नहीं है और बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आप लोगों के पास टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जिसकी जो ट्रैवल है वो 103 मिलीमीटर के अंदर है। जो बाइक का फ्रंट फेंडर है वो क्रोम फिनिश के अंदर आता है आप लोगों का। बाइक की जो रियर सस्पेंशन है वो आप लोगों का स्विंग आर्म सस्पेंशन है, जिसका जो टोटल ट्रैवल है वो 70 mm है। जो बाइक का मफलर है वो मैट ब्लैक फिनिश में है, जिसके ऊपर क्रोम ट्रिम लगाई गई है और ताकि वो आपके बॉडी पार्ट्स को हीटेड मफलर से सेफ रख सके। बाइक के अंदर 5-gear ट्रांसमिशन है और 5-down सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी इसके पांचों जो गियर्स हैं वो अगली साइड को लगते हैं और पिछली साइड को जो है वो गियर्स निकलते हैं। बाइक की जो टोटल क्लियरेंस है वो 133 मिलीमीटर है। बाइक की पिक और टॉप स्पीड जो है वो रिवायती 125 जैसी है और जो लोग स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या जो बाइक तेज चलाना उनको शौक है सो वो उनके लिए बाइक बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरा ये कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, क्योंकि इसके जो शॉक है वो ज़रा स्पोर्ट लुक होने की वजह से थोड़े हार्ड है, जिसकी वजह से नीचे नहीं लगती। सो उसकी वजह से आप इसको ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी बाइक की जो मैनेवरेबिलिटी है वो भी अच्छी है और जो इसके अंदर मुझे कमी लगती है वो मेरे ख्याल में ये है कि इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी और कम्फर्टेबल होनी चाहिए, जिसकी इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है। इसके अलावा जो बाइक है वो बहुत ही अच्छी है और अगर आप लोगों के पास इतना प्राइस रेंज है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक इस बाइक को जरूर ट्राई करें। व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी आप लोग हमारी तरफ से ऐसी वीडियोज़ को देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।